नमस्कार, मैं अश्वनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIII द्वारा संकलित एक रोचक मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सामुदायिक सहभागिता से संबंधित सिक्किम राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मदर्स क्लब, यानी कि माताओं का समूह। अगर हम चाहते हैं कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, हमारा शरीर और दिमाग अच्छी तरीके से कार्य करे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छा आहार ग्रहण करें। वैसे ही अब हमारे विद्यालय में आने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से जब अच्छे होते हैं तो जाहिर सी बात है उनका शिक्षा के प्रति लगाव तो होता ही होता है, उसके साथ साथ में अन्य गतिविधियों में भी वो तेज होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए हमारे नवाचारी शिक्षकों ने अपने विद्यालय में मदर्स क्लब, यानी कि माताओं का क्लब नवाचार अपने विद्यालय में क्रियान्वित किया। इस गतिविधि के दौरान शिक्षक सबसे पहले माताओं को एक संतुलित आहार, एक संपूर्ण आहार के विषय में माताओं को जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ में विद्यालय में जो मध्यान्ह भोजन बन रहा है उसकी जांच करने के लिए वो माताओं को बारी बारी से विद्यालय में बुलाते हैं, जिससे कि विद्यालय में जो मध्यान्ह भोजन बन रहा है उसमें भी पौष्टिक आहार संपूर्ण रूप से सम्मिलित हो। इसके लिए सप्ताह में 3-4 बार जो माताएं होती हैं वो विद्यालय में आकर के स्वयं सेविका के रूप में मध्यान्ह भोजन को भी तैयार कराती हैं, साथ साथ में उसकी गुणवत्ता की भी जांच करती हैं। साथ ही साथ में हमारे शिक्षकों ने एक मदर्स क्लब का एक समूह बनाया, जिसमें कि माताओं को कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो विद्यालय के मिलने वाला जो मध्यान्ह भोजन है उस आहार में तो बच्चों को पौष्टिक आहार तो उपलब्ध करा ही रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में किस तरीके के पौष्टिक आहार बच्चों को उपलब्ध कराएं जिससे कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसकी जानकारी हमारे नवाचारी शिक्षकों द्वारा और मदर्स क्लब के जो सदस्य होते हैं उनके माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इन मदर्स क्लब के जो माताएं होती हैं इनका कार्य यहीं तक सीमित नहीं होता है। ये माताएं अपने बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए तैयार करती हैं, साथ ही साथ में गांव में अगर कोई रैली निकलनी है तो उसका भी ये आयोजन कराती हैं। साथ ही साथ में ये माताएं जो मदर्स क्लब की सदस्य होती हैं, ये माताएं विद्यालय में भौतिक रूप से जो पेड़ पौधे हरियाली वगैरह जो लगाई गई है उसमें भी सहयोग करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये माताएं जब करती हैं, जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो उस जन्मदिन में विद्यालय को सजाना और जन्मदिन में वृक्षारोपण का कार्य भी इन माताओं के माध्यम से किया जाता है। इन माताओं का विद्यालय से इस तरीके का जुड़ाव विद्यालय को बहुत ही खूबसूरत बनाता है, साथ साथ में अपने बच्चों की जानकारी भी इन माताओं को इस समूह के माध्यम से मिलती रहती है। इस नवाचार को प्राथमिक माध्यमिक दोनों स्तरों पर क्रियान्वित कराया जा सकता है और इस नवाचार को क्रियान्वित करने के लिए सिर्फ एक पूर्व योजना बनानी होती है, जिसमें कि माताओं को किसी व्यक्ति के माध्यम से या फिर छात्रों के माध्यम से आमंत्रित किया जाए और उनको विद्यालय में बुलाकर के सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाए। हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। इस तरह के कई दिलचस्प वीडियो नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है यदि आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल ZIII को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।